उमरान मलिक क्या ओवर हाइप के शिकार हो रहे हैं? 27 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में आईपीएल सीजन 2022 की बेस्ट बॉलिंग करते हुए उमरान ने 4 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। हकीकत यह है कि उस मैच में गुजरात टाइटंस के 5 विकेट ही गिरे थे और 5 उमरान ने ही लिए थे। ऐसा आईपीएल के 14 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि विरोधी टीम के पहले 5 बैट्समैन को किसी एक ही बॉलर ने आउट किया हो, लेकिन उस मैच के बाद से जैसे उमरान को कोई नजर लग गई। उमरान 27 अप्रैल के बाद से 3 मैच खेल चुके हैं और इनमें उन्होंने 10 ओवर देकर 125 रन दिए और एक भी विकेट नहीं लिया। उमरान आईपीएल सीजन 2022 में 8 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मैच तक 11 मैच खेल चुके हैं। इन 11 मैच में उमरान ने 40 ओवर डाले हैं और 364 रन देकर 15 विकेट लिए हैं, यानी उनका औसत 24.26 रन, यानी हर एक विकेट लेने के लिए उन्होंने इतने रन दिए हैं। अगर इकोनॉमी रेट की बात की जाए तो वो भी उमरान का 9.1 रन का है। हर ओवर में 9 से ज्यादा रन देना किसी भी लिहाज से किफायती नहीं कहा जा सकता। 8 मई को रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के खिलाफ मैच में कप्तान केन विलियमसन ने उमरान को सिर्फ 2 ही ओवर दिए। पहले ओवर में उमरान ने 20 रन और दूसरे में 5 रन दिए, फिर उन्हें तीसरा ओवर नहीं दिया गया। उमरान के पास बेशक रफ्तार सबसे बड़ा हथियार है और इसका सबूत वो 157 किलोमीटर प्रति घंटा की इस आईपीएल की सबसे तेज गेंद डालकर दे भी चुके हैं, लेकिन बड़े कंपटीशन वाले मैचों में विरोधी टीम के बैट्समैन भी पेस बॉलिंग की काफी प्रैक्टिस करके ही मैच में उतरते हैं। ऐसे में बॉलर की स्पीड बहुत तेज हो तो बैट्समैन को सिर्फ बैट ही गेंद से छुआना होता है और वो खुद ब खुद बाउंड्री के पार चली जाती है। ऐसे में देश नामा स्टोरी में जानने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 3 मैच में उमरान को लेकर कहां गड़बड़ी हो रही है। क्या उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन की ओर से ठीक तरह से हैंडल किया जा रहा है? उमरान नए हैं, कम उम्र हैं, जोशीले हैं, लेकिन अनुभव की उनमें कमी है। उमरान के इस सीजन में खेले गए मैचों की बात की जाए तो उन्होंने मिडिल ओवर्स में ही बॉलिंग करते अच्छा परफॉर्म किया, वहीं पावर प्ले और डेथ ओवर्स में वो खर्चीले साबित हुए हैं। ऐसे वक्त में बैट्समैन का एक ही मकसद होता है कि फील्ड रेस्ट्रिक्शन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए और बड़े हिट्स लगाए जाएं। इस आईपीएल में उमरान ने अब तक अपने 40 ओवर्स में से 35 ओवर मिडिल ओवर्स वाले हिस्से में ही किए और 15 में से 12 विकेट इसी दौरान लिए। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 27 अप्रैल के मैच में उमरान ने 7वां, 9वां, 11वां और 13वां ओवर किया था और हर ओवर में विकेट लिया था। एक ओवर में तो 2 विकेट भी लिए। लेकिन जहां उमरान ने 40 में से अपने 5 ओवर पावर प्ले या डेथ ओवर्स में किए, वहां उन्होंने खूब रन लुटाए। अब आपको बताते हैं कि पावर प्ले में बैट्समैन बड़े हिट्स लगाने के लिए क्यों ललचाते हैं। दरअसल आईपीएल टी20 मैचों में पहले 6 ओवर पावर प्ले के होते हैं। इसमें 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स को ही तैनात किया जा सकता है, यानी बॉलर और विकेट कीपर के अलावा 7 और फील्डर्स 30 गज के दायरे के अंदर ही रहते हैं। उमरान को इंटरनेशनल क्लास का बॉलर बनना है तो पावर प्ले और डेथ ओवर्स में भी विकेट चटकाने के साथ किफायती बॉलिंग पर खासा ध्यान देना होगा। इस मामले में सनराइजर्स हैदराबाद के फास्ट बॉलिंग कोच डेल स्टेन के टिप्स उमरान के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। जहां तक इस आईपीएल सीजन का सवाल है तो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन के लिए उमरान का इस्तेमाल मिडिल ओवर्स में ही करना बेहतर है। अब प्लेऑफ स्टेज से पहले उमरान की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के 3 मैच ही बाकी हैं। प्लेऑफ स्टेज में पहुंचने के लिए ये 3 मैच ही टीम के लिए बहुत अहम हैं। साथ ही इन 3 मैचों में उमरान का प्रदर्शन ये भी तय करेगा कि उनका टीम इंडिया में शामिल होना अभी कितना पास या कितना दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।